हर साल ही जाते हैं, ठीक है। तो आज क्योंकि छोटी दिवाली है, हम जा रहे हैं कोटा। क्या ले भाई, टोल के प्राइस इतने हाई है, क्या करें। हाँ अच्छा, और ये जो है, अरे ये तो वही वाली जगह आ गई ना। हाँ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको एकदम से। ये अरे नहीं, ये इसमें से पास होता है, उधर जाते जाते फीमेल हो जाता है, और अगर फीमेल जाती है वहाँ मेल हो जाता है। तो जी मौसम में आ गया बदलाव, बहुत ही तगड़ी बारिश हो गई है, और ये रात से हो रही थी बारिश, रात से जब लव भाई और हम लोग पार्टी कर रहे थे ना, तब से बारिश हो रही है। अब गाड़ी धुलवाने का क्या फ़ायदा, वो मुझे एक चीज़ बताओ। मेरे साथ है ना हमेशा होता है, गाड़ी धुलवा के लाता हूँ और बारिश आती है, और ये आज से नहीं, ये बचपन से है। मतलब जब मैं छोटा था ना, तब भी जब गाड़ी वाड़ी धो के रखता था पापा की, ठीक है, तो तब भी बारिश आती थी, और अभी भी वही सीन है। तो ये ना चलता आ रहा है, मेरे को ना पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है। देखो यार कितनी तेज बारिश आ गई है, डाला यार बारिश में भीग रहा है। The next day. Hey guys, welcome back to our channel for a change. मैं हूं रुचिर। तो जी आज है छोटी दिवाली, ठीक है। आप श्योर जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, दिवाली की सेलिब्रेशन आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट कर ली होगी, लेकिन हमारा दिवाली का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं, आज क्या, हर साल ही जाते हैं, ठीक है। तो आज क्योंकि छोटी दिवाली है, हम जा रहे हैं कोटा। पहुँचने में 6-7 घंटे लगेंगे, थोड़ा लेट हो गए, मम्मी को रास्ते से पिक करना है और चलना है। चलो पहले चलते हैं गाड़ी में, सामान वामान मैंने ऑलरेडी रख लिया है, ठीक है, सब चीज डन है। तो जी डीजल का हो रहा है अपना टैंक फुल, और पी रही है एकदम मस्त तरीके से। तो जी ट्रिप हो गया है अपना 0.0। तो सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं श्रीराम ढाबा, अपना फेवरेट, ठीक है जी। परांठे परूठे खाते हैं, वहाँ से नाश्ता करके निकलते हैं, क्योंकि क्या है ना कि जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पे कुछ खाने का खास है नहीं, ठीक है। एक दो रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ओके ओके है। अपना यहीं से जो है करके चलते हैं, क्योंकि 6-7 घंटे का रास्ता है, हो सकता है रुक रुकाते भी चलें तो टाइम ज़्यादा लग जाए। पेट है ना फुल होना चाहिए ट्रिप से पहले, ठीक है। परांठे सफ़ेद मक्खन, वाह वाह वाह। देखो भाई यहाँ पे ना ऐसे फूल सजा रखे हैं हर जगह, मतलब बेचने के लिए। इस तरह की डेकोरेशन मटेरियल यहाँ पे बहुत है, अभी आपको सामने भी दिखाता हूँ। हर जगह देखो इस टाइप के ना लड़ियाँ लटकी हुई हैं फूलों की, माला, माला भी नहीं है मतलब लड़ी है। ये देखो इधर भी, यहाँ देखो, हर जगह। तो जी ये लग गई अपनी गाड़ी, और अभी फिलहाल के लिए आ गए हैं श्रीराम ढाबा, चलते हैं अंदर कुछ खाते हैं बढ़िया सा, क्योंकि ट्रिप की शुरुआत से पहले जब तक कुछ बढ़िया ना खाया जाए तो मज़ा नहीं है। चलते हैं परांठे शराठे खाते हैं वाइट मक्खन के साथ। आ हा हा। तो जी अपने ओहो हो क्या ले। हैप्पी दिवाली। बाई चांस ऐसा हो गया कि सेम टेबल पे बैठ गए लास्ट टाइम जहाँ आए थे, ये बंदर आज भी हमारा स्वागत कर रहा है और आज कह रहा है हैप्पी दिवाली। तो ये अपनी फेवरेट चीज चटनिया, प्याज एंड सफेद मक्खन, या इनकी गप्पे शप्पे चल रही है। जब टेबल पे जब 4 ऑर्डर हो ना और 2 पहले आ जाए और सामने खाना शुरू कर दे, देख रहे हो इन दोनों को, शुरू हो गए और पूछा था कि नहीं मुझसे सबके ऑर्डर है भाई, एक मेरा ही नहीं आ रहा, मेरा और पापा का, हम बेचारे ऐसे बैठे हुए हैं इंतजार में, सबके ऑर्डर आ गया यार। ये जी वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेकफास्ट है, पराठा सफेद मक्खन सिरके वाले प्याज चटनिया। चलो जी खाना पीना हो गया, लग रहा है यार ये सुपर बीस्ट। तो जी ऐसा है अपना ETA जो दिखा रहा है वो 6 hours 33 minutes, बाकी तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। पीछे अपनी गाड़ी आ रही है चाचू की, तो दोनों साथ साथ ही हैं।
तो इस बार मजा अलग है क्योंकि दोनों फैमिलीज एक साथ बाय चांस टाइम मैच कर गया तो एक साथ ही निकल रहे हैं कोटा के लिए, तो हाईवे पे एक साथ होते हैं तो मजा ही आता है। ये देखो जी कितने, अरे ऑटो वाले भैया आ गए बीच में यार, ये देखो जी कितने तरह तरह के हुक्के है ना, गजब भाई। दिवाली का पूरा मेला लगा हुआ है और इतना जाम था ना अभी, अब जाके जो है निकले हैं, थोड़ा सा खाली दिखाया है, ये तो पूरा लाल था, देख रहे हो पूरा मार्केट लगा हुआ है, हर चीज मिल रही है, दिवाली की मिठाइयां पटाखे सब चीज। तो ये जो ईटीए दिखा रहा है मैप, ये बेसिकली एनी फोर यानी कि नेशनल एक्सप्रेस वे फोर से दिखा रहा है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, ठीक है, तो वही लेंगे, देखते हैं कहाँ तक लास्ट एग्जिट होता है लाल शॉट के आगे, और फिर वहां से कोटा आई थिंक थोड़ा बहुत ही रह जाएगा। तो टोटल जैसे 6.5 घंटे है ना या 7 घंटे मान लो, तो 3-3.5 घंटे की जर्नी आपकी जो है एक्सप्रेस वे की है, उसके बाद बाकी रास्ता है। तो ये अपनी जर्नी का पहला टोल, और अब एक्सप्रेस वे भी बस आने ही वाला है, ये जो आपको दिख रहा है ना लेफ्ट कट, ये एक्सप्रेस वे का ही है। ये आ गया बोर्ड सोना नू अलवर, सबसे लास्ट खाली वाली पे जाएंगे, सब पे नहीं तो एक एक दो दो है। फाइनली जी अपना कट आ गया एक्सप्रेस वे का, और यहाँ से ना इतनी खुशी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इतना मस्त मक्खन हाईवे है, कुछ टेंशन नहीं होती, मस्त अपना गाड़ी चलाओ, वाह यार, यस एंटर्ड, वाह यार, इस पे आने के बाद है ना नेक्स्ट लेवल की खुशी हो जाती है, मस्त। वो जा रही है अपनी दूसरी गाड़ी, और यहाँ के ना स्पीड कैमराज एक्टिवेट हो गए, तो 120 की स्पीड सिर्फ रखो, ये यहाँ की लिमिट है, इसके ऊपर अगर आप गए तो भैया चलान से हाथ धो बैठोगे, और वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा। तो मेरी तरह अच्छे बच्चे की तरह अपनी गाड़ी हमेशा धीरे चलाइए, आराम से चलाइए, सॉरी फॉर द शेक क्योंकि झटका आ गया था जी। अब तो यहाँ के जो है पेड़ वगैरह भी काफी बड़े हुए हैं, तो नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं होती होगी क्योंकि ये झाड़ियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि सामने से आने वाली गाड़ी की लाइट पता लगती नहीं होगी। बाकी यार मजा बहुत आ रहा है इस एक्सप्रेस वे पे ना, ड्राइव करने का अलग ही फन है। और इसी के साथ आता है हमारी जर्नी का दूसरा टोल, और इसके बाद हो जाएगी काफी देर तक की छुट्टी, यहीं ले लेंगे सारा पैसा हमसे। मम्मी अच्छा लेकर आयो कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी के पेपर वेपर, अच्छा यार टोल के पूरे वही रेट है, टोल बूथ खरीदना टोल बूथ नहीं खरीदना, अच्छा फिर भाई टोल के प्राइस इतने हाई है क्या करें। हाँ अच्छा, और ये जो है, अरे ये तो वही वाली जगह आ गई ना, हाँ ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको एकदम से ये, अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे ये हुआ मतलब नहीं, 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 अरे मुझे ये देख करके शेप जो है ना इसकी, वो अब मैं मेरा ध्यान उधर था ही नहीं, आउट ऑफ आज बहुत दिन बाद व्लॉग हो रहा है लग रहा है, तो इसलिए ना थोड़ा वो आदत से हट गए। अरे नहीं चलो ना, टोल आ गए, पिछली बार भी लेन 9 से निकले थे, इस बार भी लेन 9 से निकलेंगे। यार ये नजारा कितना खूबसूरत है ना, दूर दूर तक खेत में, हर बार आपको ये दिखाता हूँ लेकिन है ना मेरा दिल नहीं भरता, मेरे को ना जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है जब ये हाईवे के साथ जो दूर तक जहां तक नजर जाती है खेत होते हैं ना, मेरी तरफ ये सनसेट लगे हैं क्योंकि धूप मेरी तरफ की है, मजा आ रहा है यार। अपनी जो एवरेज स्पीड है वो हम 100 तक की मेंटेन करके चल रहे हैं, बाकी नजारे तगड़े हैं जी, और मूड बढ़िया है। बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं मौसम तो बना देंगे मौसम तो एक दिन पहले निकलते तो अच्छा ही था, बारिश वाला था ना, पता नहीं राइट, पर यहाँ पता नहीं कैसा मिलता अपने को, पर ये देखो सामने पहाड़ मस्त, अबे एक ट्रक गिर गया क्या, गिरा नहीं है लगाया है। ये देखो यार ये ना अच्छे बनाया हुआ है, SOS करके लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसमें ये पुश बटन दे रखा है पुश टू टॉक, तो आप इसमें कोई भी अगर बाय चांस अगर आप खुदा ना खास्ता किसी सिचुएशन में यहाँ पे फंस जाते हैं तो आप इसको इस बटन को आप प्रेस करके, और ये जो माइक है स्पीकर का माइक, स्पीकर है ऊपर और ये माइक है, तो इससे आप बात कर सकते हो। नाइस, अब देखो नजारे पहाड़ एकदम अपने पास आ चुके हैं।
बेहतरीन नजारे मिले। और अभी दिखा रहा है 5 hours 27 minutes। और जब से घर से चले हैं हम चल चुके हैं 82 kilometers। और सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब पता नहीं लगा, 82 किलोमीटर्स हम चल तो लिए लेकिन बिल्कुल पता ही लगा, फील ही नहीं हुआ कि इतना डिस्टेंस कवर कर भी लिया है। ये फायदा एक्सप्रेसवे का। यार कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये पिंक फ्लावर्स रोड के साइड पे, बहुत ही ज्यादा सुंदर। पहले जब लगे थे और हम लोग पहले एक दो बार जब इस पे ट्रैवल करे हैं ना, तो छोटे छोटे से पौधे थे, लेकिन अभी ये काफी अच्छे ग्रोथ हो गई है इनमें। तो ये अपनी दूसरी गाड़ी को थोड़ा बाय बाय करें, बड़ी देर से आगे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता यार। पोल्यूशन तो दिख रहा है, मतलब ये पहाड़ है लेकिन ये प्रॉपर दिख नहीं रहे, पोल्यूशन है। और दूर भी यहाँ पे मतलब सारा थोड़ा हेजी सा है, स्मोकी सा है। अब देखो नजारा ही पूरा बदल गया है, पहले यहाँ पे पिंक फ्लावर से पीछे, अब यहाँ पूरा येलो है। और ये तो यार नेक्स्ट लेवल सुंदर लग रहा है, ऑरेंज व्हाइट एंड पिंक मल्टी कलर फ्लावर्स हो गए। मतलब गारंटी है आपको एक्सप्रेसवे पे आके नजारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये बात बोलते देखो खाली पैच आ गया बीच में, सॉरी। और ये जो आ गया ना कोटा का बोर्ड आ गया, आप देख रहे हो 208 किलोमीटर करीब है यहाँ से, सो वडोदरा रतलाम कोटा। ये कह रहा चीज पे ध्यान दिया, ये देखो बंदा गेट खोल के चला रहा है ताकि हवा आती रहे। वाह। तो अब जो कट आ रहा है ना वो लालसोट डोसा का है, ये आप देख रहे हो, लेकिन इस पे हम नहीं जाएंगे, इससे और आगे जो कट है वो हम लेंगे, वहां से कोटा नियरेस्ट पड़ता है। सो अभी जो हम चल चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, 221 किलोमीटर हम चल चुके हैं अभी घर से निकले हुए। और इसमें दिखा रहे हैं कोटा 245, लेकिन यहाँ के जो बोर्ड्स है उसमें 60 किलोमीटर का फर्क आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसे, जाके देखते हैं ये लोकेशन का एंड होती है और इनका कोटा कहाँ एंड होता है। पूरा हाईवे हमारी दोनों गाड़ियों के लिए खाली है और मस्त एकदम गड्डियां सूखती हुई जा रही है। ये कुछ बीच बीच में एस्टेब्लिशमेंट्स है लेकिन जो अभी रेडी नहीं हुआ है, कसम से गजब का मजा आ रहा है। दोनों गाड़ियां अकेली और कोई गाड़ी नहीं रोड पे, दूर दूर तक उस साइड भी नहीं है। इस साइड तो खैर हम दोनों शहर चल ही रहे हैं। सामने पहाड़ देखो यार, जैसे पेंटिंग में नहीं बनाते थे बचपन में, एकदम पॉइंटेड पहाड़। देखो इसकी पीक देखो कितनी पॉइंटेड है। सो अब जो हमारा एग्जिट आ रहा है वो है लालसोट कोथून वाला, तो यहाँ से हम लोग एग्जिट लेंगे। और देखो मैप भी यही दिखा रहा है, तो ये है कोटा का एग्जिट जो हम लोगों के लिए सही है, क्योंकि इसके आगे देखो आप हाईवे पूरा बंद है, एक्सप्रेसवे अभी खुला नहीं है, बंद है, बैरिकेडिंग हो रखी है। तो कोटा आने के लिए यही लास्ट एग्जिट है और इसके बाद फिर स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे जो भी है टच करवाता है अभी देखते हैं। ये देखो यहाँ पूरी बैरिकेडिंग है, अभी हाईवे बन रहा है वडोदरा तक, मुंबई तक। चलो जी मज़ा आया एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके, एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा। तो अपना टोल जो है वो था, और ये गोल सर्कल पूरा क्रॉस करके, और यहाँ से आई थिंक ये हाँ नेशनल हाईवे 23 ये हाईवे है, आई थिंक ये सवाई माधेपुर वाला रणथंबोर वाला हाईवे है, तो यहीं से आगे कंटिन्यू होगा कोटा। मल्टी लेन हाईवे के बाद एक्सप्रेसवे जहाँ पे 120 की स्पीड है, और ऐसे नेशनल हाईवे पे आ जाना जो कभी कभी तो सिंगल लेन हो रहा है और कभी डिवाइडर है बीच में, बड़ा एकदम से ना दुख सा होता है कि यार काश एंड टू एंड पॉइंट तक वही वाला हाईवे होता। ये थोड़ा सा रास्ता सिंगल लेन है, और क्या है ना कि कैटल वगैरह यहाँ पे काफ़ी रहती है, टू व्हीलर्स कैटल ये सब चीज़ है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाने की आवश्यकता है। और क्या होता है ना एक्सप्रेसवे से आप चल के आ रहे हो,
इतना दूर आप एक्सप्रेस वे चल के आ रहे हो, हॉर्न की जरूरत होती नहीं है, तो हॉर्न बजाना ना बंदा भूल ही जाता है। अभी आगे बाइक वाइक चल रही थी और मैं सोच रहा हूँ हाँ चल रही है, फिर रियलाइज हुआ भाई हॉर्न भी अपने पास, भाई हॉर्न बजा के थोड़ा सा उसको अलर्ट कर सकते हैं। यहाँ बीच में चेक पोस्ट वगैरह लगा हुआ है लेकिन कुछ है नहीं, और सामने से हमें आती हुई दिखती है अपनी सफारी। क्या बात है जी, क्या बात है भाई, ये देखो जरा कैसे ऊपर तक बसें भरी हुई आ रही हैं, गजब। सब लोग अपने घर जा रहे हैं, दिवाली है तो ऑब्वियसली सब लोग अपने घर जा रहे होंगे, तो बसें भाई साहब पूरी छत तक भरी हुई है। तो ये अभी पीछे जो टोल गया है, ये हमारा थर्ड टोल नहीं फोर्थ टोल था, और ये रबबदा करके है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे कोटा जयपुर की जो टोंक रोड है वो मैच करवा रहा है। आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखो ये जो टर्न है ना, यहाँ से आपका वही जो कोटा जयपुर टोंक रोड है वही टच करवा देगा। तो वो है अपना फोर लेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पे डिवाइडर वगैरह प्रॉपर है। यहाँ पे थोड़ा ये जैसे आप देख सकते हो ना कि डिवाइडर्स वगैरह नहीं है, सिंगल लेन हाई मतलब डबल लेन है सिर्फ हाईवे, और दोनों तरफ खेत है। वो देखो दूर तक एकदम खेत ही खेत। बीच में क्या है ना, छोटे छोटे गाँव की इस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वहाँ पे थोड़ा केटल और टू व्हीलर्स पैदल चलने वालों की मूवमेंट है। अरे एक और सफारी दिख गई भाई, कोटा के आसपास या राजस्थान में बहुत सफारियाँ हैं, सारी NCR के बाद है ना, मतलब 10 साल के रूल के बाद इधर ही आती हैं। अब आगे से कटे अपना टोंक रोड के लिए, और अब फाइनली हमारा डिस्टेंस भी मैच कर गया बोर्ड का वर्सेस हमारे मैप का, 196 196। सो फाइनली वी आर ऑन जयपुर कोटा टोंक रोड, और यहाँ से आपका 193 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रह जाता है। सो मेजर पोर्शन जो है ना, मेजर पोर्शन तो कवर हो गया था एक्सप्रेसवे के थ्रू, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा पोर्शन बीच में, आई वुड से 10% का पोर्शन था बीच में जो गांव से हम निकले हैं। बाकी ये पहले वाला जो हाईवे है ये तो ओके है ही, बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि एक तो टू व्हीलर और कैटल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्या व्यू है यार, लगता है कि राजस्थान में या कोटा में, मतलब ऐसा कुछ लगता है नहीं ना, लगता है ना कि यार कहीं या तो जो सदन घाट्स हैं वहाँ पर जा रहे हैं, या फिर अपने जो स्टार्टिंग के पहाड़ होते हैं हिमाचल या उत्तराखंड के। बट भाई लोग, ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान सिर्फ रेत बंजर जमीन ये सब नहीं है, ये है। कचरा जलाया हुआ है, अब ये कचरा जो जलाया हुआ है इस कचरे से पोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन BS4 की गाड़ी पोल्यूशन कर रही है। वाह, हाईवे के यार बीचों बीच बैरियर लगा रखे हैं, पता नहीं क्यों, कुछ गाड़ियों को रैंडमली चेक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी, क्योंकि ना जब से राजस्थान में एंट्री हुई है हर दूरी पे ये बैरिकेटिंग है। राजस्थान, पानी, भरा हुआ पानी, नेचुरल रिसोर्स, BS4 पोल्यूशन करते हुए। तो जी शाम होने को आई है, 4:30 हो गए हैं, और हम लोग 12 बजे के निकले हुए हैं। 12 बजे के निकले हुए तो एक कहने की बात है, असलियत में तो हम 1 बजे निकले थे, 12:30 के आसपास निकले थे, क्योंकि खाने पीने में टाइम लग गया था ना। और अभी जो हमारा डिस्टेंस पेंडिंग है वो 125 किलोमीटर्स है, करीबन 2 घंटे। सो देखते हैं एक्चुअल ETA पे पहुँचते हैं या कहीं रुकते हैं और टाइम थोड़ा लगाते हैं, बने रही है हमारे साथ। तो जी थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया था, डाला इधर लगा चुके हैं, और यार एक बार नज़ारा देखो, खेत ही खेत हैं हर जगह, टर्मैक रोड दोनों तरफ खेत, वाह यार नज़ारे अलग हैं, सुंदर लग रहा है वैसे डाला, कुछ भी बोलो। ये लोग देखो बाहर नहीं आते मेरे साथ व्लॉग करने, मेरे को अकेले करना पड़ता है सब कुछ, ये देखो किसी को मतलब नहीं है। तो अपनी ना दूसरी गाड़ी भी पीछे है, सोचा कि थोड़ा सा
स्ट्रेचिंग ब्रेक ले लेते हैं। सो अब बस करीबन करीबन थोड़ा सा ही डिस्टेंस बाकी है, मतलब ये लगा लो 2 घंटे के करीब का डिस्टेंस होगा। सो चलते हैं और कवर करते हैं अपनी जर्नी को। स्ट्रेचिंग ब्रेक लेने से ना एक चीज़ होती है कि बॉडी को थोड़ा आराम भी मिल जाता है, वैसे तो चाहिए नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है स्ट्रेच करके, और ना एक तरह से बंदा रिफ्रेश हो जाता है कि फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं। कि जितना चला कर आया ना तो 5 मिनट के लिए भी उतर के खड़े हो जाओ ना, तो उससे क्या होता है कि ना आप फिर से रेडियो चलाने के लिए उतना ही किलोमीटर अगेन। ये हमारे सिंगर है ना, ये मिलियंस है। तो जी माहौल एकदम शाम का हो चुका है, सूरज देवता बस थोड़ी देर में जाने वाले हैं और हम भी कोटा पहुंचने वाले हैं। मौसम सही है बाहर का, दिन में तो धूप थी बट अभी आई थिंक लास्ट होल है हमारा और इसके बाद 69 किलोमीटर्स है सिर्फ कोटा के लिए। तो जी द मोस्ट अवेटेड प्लेस ऑफ दिस जर्नी ये टनल। ये टनल बहुत ही गजब की लगती है और है ना अभी रुकेंगे, फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हैं, हालांकि शाम हो गई है लेकिन देखते हैं एडिट वेडिट करके अच्छे से दिखा देंगे आपको। इसमें से पास होता है उधर जाते जाते फीमेल हो जाता है और अगर फीमेल जाती है वहाँ मेल हो जाती है। ये जादू और प्राचीन गुफा है हमारे चाचा जी ने बताया है। yes. यहाँ से मर जाता है और वहाँ से जो है औरत निकलती है और वहाँ से औरत आती है और यहाँ से आदमी निकलते हैं। yes. ऐसा है ये। तो जी अब गुफा है कोटा की, अब है ना बड़ी ऐसी फोटो खींचते हैं, इसलिए ना लोग देखने आएंगे इसको। यार ये क्या है नहीं नहीं ये तो ब्लॉग चल रहा है। सो अभी फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं ठीक है, हालांकि शाम हो गई है लेकिन फिर भी थोड़ा एडिट वेडिट करके फिल्टर विल्टर डाल के आपको दिखा देंगे, बढ़िया करके दिखाएंगे ठीक है, बहुत अच्छे से दिखाएंगे आपको। ओहो क्या बात है क्या बात है, लाइटों से एकदम चकाचौंध कर रखी है टनल, बहुत ही बेहतरीन नजारे आ गए जी। तो टनल से निकल गए बाहर, इसी के साथ हमारा कोटा बचा है 42 किलोमीटर्स का, 48 मिनट्स एंड 42 किलोमीटर्स। ये मुझे वैसा साउंड क्यों कर रहा है जैसे वो क्रिकेट की कमेंट्री में करते हैं 32 रन्स 2 ओवर जैसा, पता नहीं जो भी, मतलब मैं तो क्रिकेट फॉलो नहीं करता लेकिन स्टिल मुझे वैसा साउंड किया। आ गया जी फाइनली कट, कोटा का मुड़ गए हैं कोटा के लिए। तो जी 12:30 के आसपास निकले थे और अभी 6:15 हो रहे हैं, तो आप मान के चलो 6 घंटे मोटे मोटे लगे ठीक है। और एक्सप्रेस वे ने ना बहुत हेल्प करी यार, मतलब ये जो NH8 पहले हुआ करता था जो हम यूज करते थे नॉर्मली, उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है यार, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। उसमें लगते थे 9-10 घंटे, इसमें लगे 6 घंटे सोचो। तो जी ये बोर्ड आ गया, वेलकम टू कोटा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोटा में। लाइटिंग देखो आप कितनी जबरदस्त हो रखी है। जो अभी हम फ्लाईओवर चढ़े हैं ना, इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम है। अभी हम जिस रोड से आए हैं ना उसी से फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ और अभी ये घूम के ना
पूरा घूम के फिर उसी रोड पे छोड़ देगा। ये देखो पूरा घुमा रहा है, ठीक है, घुमाता जाएगा घुमाता जाएगा। ये देखो अच्छा अच्छा सब बना रखा है, डेकोरेट बढ़िया तरीके से कर रखा है लोग ताकि खुश हो जाएं। लेकिन देखो वहां से चढ़े थे और वापसी का आ गए घूम के उसी जगह पे उसी रोड पे आ गए, मतलब वहां से चढ़े और यहां उतर गए। भाई ये फ्लाईओवर ऐसा कौन सा फ्लाईओवर होता है यार। देखो जी महल में एंट्री हो रही है किसी के, ऐसा लगने लगता है यहां पे कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर। एक तो दिवाली के करके ना लाइट्स भी हर जगह लगी हुई हैं और वैसे ही यहाँ की लाइटिंग इतनी सुंदर थी मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, लेकिन दिवाली की जो ये फेस्टिव लाइट्स है ना इनसे तो भैया चार चांद और लग गए यार, सीरियसली अति सुंदर। तो जी कोटा में एंट्री बस हुई है यहाँ से घुसे और गाड़ियाँ अपनी यहाँ लग गई है, वरुण की वहाँ लग गई और कहाँ जा रहे हैं रतन कचौड़ियाँ खाने कि भाई कचौड़ियाँ खाएंगे जी एक एक। स्वाद चलो गाइस घर पर पहुंच गए, अब थोड़ा सा सेटल डाउन होते हैं क्योंकि ट्रैवल टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे, कल दिवाली है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए फॉर अ चेंज। कोई भी आपके सजेशंस फीडबैक्स हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बाकी कीप शेयरिंग द वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।